नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर विविध कार्यक्रमों के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश को सेवानिवृत्त होने के पश्चात दी गई विदाई। काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा छायाचित्र प्रतियोगिता व प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और मार्कंडे महादेव महोत्सव के प्रथम दिन ख्यातिलब्ध गायक हंसराज रघुवंशी की हुई प्रस्तुति। और अब खबरें विस्तार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि पर विविध कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। पड़ाव स्थित दीनदयाल नगर में पंडित दीनदयाल जी की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और लोगों ने पंडित दीनदयाल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा ने बताया कि दीनदयाल जी का पुण्यस्थल है। दीनदयाल जी की अंतिम यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने की ये सर्वोत्तम जगह समझी गई है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल के बताए पदचिन्हों पर चलकर ही हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। वहीं संजय चौधरी प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि जनता हित को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसके पहले सारे संस्थान के लोगों ने हवन पूजन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस चूंकि यह दीनदयाल जी की पुण्यस्थल है, यहीं पर दीनदयाल जी की अंतिम यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने का यह सर्वोत्तम जगह थी समझी गई हम प्रतिष्ठान के द्वारा। और दूसरी चीज़ यह थी कि उनके जो चार पुरुषार्थ उन्होंने कहे थे, उन पुरुषार्थों को पूरा करते हुए यदि हम उन्हें श्रद्धांजलि दें, उनका अनुकरण करें, तो यह ज़्यादा समाचीन होगा। इस चीज़ इस लक्ष्य को देखते हुए, क्योंकि दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना दीनदयाल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए की गई, यह संस्थान यह विचार आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कल्लाज मिश्रा जी, लालजी टंडन जी, कल्याण सिंह जी, इन सभी लोगों को कहा। इन लोगों ने एक प्रतिष्ठान की स्थापना की। इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना जी थे, जो अटल जी के साथ के प्रचारक थे, और उन्होंने इसकी यहाँ पर स्थापना करके बृहद रूप दिया था। और प्रकाशनों के द्वारा उसके द्वारा यह कार्य हम लोग कर रहे हैं। और आज के दिन प्रतिष्ठान के द्वारा यह संदेश देना कि हम उनके दीनदयाल जी के पद चिन्हों पर चल करके ही उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जैसे आज हमारी हम कह सकते हैं कि हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार उनके पद चिन्हों में चल करके पूरे देश में प्रगति और शांति का वातावरण तैयार कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को गुदौलिया स्थित गीता मंदिर के पास पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अनूप जायसवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति और विरासत को केंद्र में रखकर देश को आगे ले जाने का मार्ग दिखाया, जो विकसित भारत के निर्माण में भी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। उनका मानना था कि कोई भी देश अपनी संस्कृति के मूल विचारों को भुलाकर प्रगति नहीं कर सकता है। पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से ओम प्रकाश यादव, सिद्धनाथ गौड़, मनीष चौरसिया, पूजा गुप्ता इत्यादि लोग शामिल रहे। आज हम सब ने गीता मंदिर गेट पर अपने संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन किया है, वंदन किया है। ये हमारे जनसंघ के समय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ में महासचिव के रूप में, फिर अध्यक्ष के रूप में, तथा भारतीय जनता पार्टी जिस ब्लूप्रिंट पर चलने का काम करती है, उन नीतियों को बनाने का काम श्रद्धेय दीनदयाल जी ने किया था। और यहीं बगल में दीनदयाल नगर, जो कि पूर्व में मुगलसराय के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर इनकी रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हुई।
और हत्या हुई, इसकी हम आज इस अवसर पर निंदा करते हैं तथा हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच करा करके इस रहस्य से पर्दा उठना चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों महानुभाव चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, वो जम्मू कश्मीर के लिए 370 हटाने के लिए कश्मीर जाते हैं, रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है, दीनदयाल जी की रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि ऐसे महानुभाव जो देश के लिए संघर्ष करते रहे, देश के गरीब जनता के लिए जिनका चिंतन था, उनके इस तरह की मृत्यु पर कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके उनके बताए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हुए हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। पूर्व जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश को सेवानिवृत्त होने के पश्चात विदाई दी गई। काशी में 2 वर्ष 5 माह के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश को विदाई दी गई। लोगों ने उनका माल्यार्पण करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान जिला जज ने कहा कि काशी में बहुत अच्छा लगा और मेरा कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। मैं शासकीय कर्तव्य को उचित प्रकार से निर्वहन किया। मुझे बहुत संतुष्टि है कि मेरा बहुत अच्छा कार्यकाल काशी में रहा है। काशी बहुत अनूठा शहर है और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मिनी इंडिया है काशी। काशी में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। लगभग 2 वर्ष 5 माह मैं यहाँ पर रहा। मैंने अपने शासकीय कर्तव्यों को प्रॉपर उचित प्रकार से उसका निर्वहन किया और मुझे बहुत संतुष्टि है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बहुत अच्छा कार्यकाल यहाँ पर रहा और यहाँ ये बहुत अच्छा अनूठा शहर है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एक मिनी इंडिया है काशी। तो काशी में रहने का जो सौभाग्य है हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, मुझे बहुत संतुष्टि और बहुत खुशी है। हमारे जो न्यायिक अधिकारी हैं उनसे बहुत स्नेह और बहुत प्रेम मिला और बहुत सम्मान मिला। इसी प्रकार हमारे यहाँ के अधिवक्ताओं से, हमारे यहाँ के कर्मचारियों से बड़ा स्नेह और प्रेम मिला और यहाँ की जो पोस्टिंग थी मेरे लिए एक यादगार पोस्टिंग रही है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ यहाँ के अपने कार्य से। कई बड़े अहम फैसले भी आपने लिया और ऐसे में कुछ लोग पॉजिटिव वे में लिए, कुछ लोग नाराज। देखिए साहब, वो तो हमेशा होता है, वो तो सब हमेशा होता है। आप कोई भी निर्णय करें, कोई फैसला लेंगे, हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है। कुछ लोग उससे खुश होते हैं, कुछ नाराज होते हैं। हमें तो अपना कार्य करना है और अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन करना है न्यायपूर्ण तरीके से। उसके बाद फिर जैसी जिसकी जो इच्छा है वो ठीक है ना, यही कहना है। काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा छायाचित्र प्रतियोगिता व प्रदर्शनी आयोजित हुई। काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में छायाचित्र प्रतियोगिता का आयोजन दशाश्वमेध घाट गंगा सेवा निधि कार्यालय पर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरसिंह अग्रवाल, समाजसेवी व विशिष्ट अतिथि अशोक वर्मा, पूर्व सचिव पीएनयू क्लब ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में छायाकारों द्वारा लगाए गए फोटो प्रदर्शनी को देखने वालों का तांता लगा रहा। जो भी इसमें विजेता होगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान गंगा सेवा निधि के आशीष तिवारी, सुरजीत सिंह, हनुमान यादव को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने इस कार्य की सराहना की। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रेस क्लब अध्यक्ष अरुण सिंह, काशी पत्रकार संघ अध्यक्ष अत्री भारद्वाज, महामंत्री अखिलेश मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, संजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पत्रकार व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, काशी पत्रकार संघ वाराणसी प्रेस क्लब इस देश की सबसे पुरातन पत्रकारों की संस्था है और इस संस्था के द्वारा काशी पत्रकार संघ वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं हर साल। पिछले 3 दशक से क्रिकेट की प्रतियोगिता, इंडोर गेम और छाया प्रदर्शनी को लेकर के ये कहना है कि फोटोग्राफर जो साथी होते हैं, जो तस्वीरें खींचते हैं, उनका मनोबल ऊंचा हो, इसलिए उनके लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। अब पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम यहाँ बनारस के सुप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर, जिसे सरकार ने ग्लोबल अतुल्य भारत का ग्लोबल दिया है नाम, तो ऐसी स्थिति में अतुल भारत उस स्थान पर हम लोगों ने एक प्रतियोगिता का आयोजित किया गया है। इस प्रतियोगिता की खासियत यह है कि जो भी छायाकारों के जो फोटो लगाए गए हैं, उस फोटोग्राफ को यहाँ के दर्शक, यहाँ के श्रद्धालु, यहाँ के नेमी, यहाँ के घाटी, जो घाट पर रहने वाले लोग, वो उसको बताएंगे, वो उसको एक अंक देंगे कि सबसे अच्छा फोटोग्राफ किसका लगा। और सबसे इसी आधार पर हम पूरे इस जो प्रतियोगिता में छाया रत्न देते हैं और उसके अलावा अन्य जो हमारे फोटोग्राफर जो दिवंगत हो चुके हैं उनके नाम पर भी पुरस्कार दिया जाता है, उन छायाकारों को दिया जाएगा। ये काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब की तरफ से
हम लोगों के पुराने छायाकार साथी रहे, फोटो जर्नलिस्ट थे एस अतिबल जी, उनकी स्मृति में 3 दशक से छायाचित्र प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसका मूल उद्देश्य है कि जो अखबारों से जुड़े हमारे छायाकार साथी हैं उनके उत्कृष्ट छायाचित्रों को आम जनता तक इस प्रतियोगिता के माध्यम से पहुंचाया जाए और उसमें जो चयनित हो उनको प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार सांत्वना पुरस्कार दिया जाए ताकि उनका हौसला बढ़े और अच्छा वो अपने कैमरे से क्लिक कर सकें। कहा जाता है कि जो 100-200 शब्दों में हम बात नहीं कर सकते, एक फ़ोटो से हम वो बात अपनी कह सकते हैं, तो यह उद्देश्य है। और इसमें जो प्रतिभागी भाग लेते हैं वो अपने वर्ष भर के अच्छे छायाचित्रों में, जिसमें सांस्कृतिक आयोजन, खेलकूद के आयोजन, कोई फेस्टिवल, मेला और भी जो अच्छे आयोजन हैं उनमें से कोई एक तस्वीर या ऐसी तस्वीर जो अपने आप की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करे, तो ऐसी तस्वीरों में से जो बहुत अच्छी तस्वीर होती है इस प्रतियोगिता के लिए उसमें ले आते हैं और भाग लेते हैं। मार्कंडे महादेव महोत्सव के प्रथम दिन ख्याति लब्ध गायक हंसराज रघुवंशी की प्रस्तुति हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय एवं राज्य सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा मार्कंडे महादेव तीर्थ क्षेत्र में 3 दिवसीय श्री मार्कंडे महादेव महोत्सव के आयोजन की शुरुआत की गई। इस दौरान कथक नृत्य सहित विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के पहले दिन मुख्य आकर्षण का केंद्र ख्याति लब्ध गायक हंसराज रघुवंशी की प्रस्तुति रही। हंसराज रघुवंशी के भक्ति गानों से लोग भाव विभोर हो उठे। वहीं हंसराज रघुवंशी ने अपना नया गाना ज्ञानवापी पर बनाया है, उसको भी गाकर जनता को मंत्रमुग्ध करने का काम किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत रत्न के सच्चे हकदार चौधरी चरण सिंह, डॉ स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनको भारत रत्न मिलने से देश में खुशी है। आज ये मार्कंडेय महोत्सव दूसरी बार, पहले 2018 में हुआ था, ये 3 दिन का जो महोत्सव है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से ये महोत्सव का आयोजन
माननीय केंद्रीय मंत्री जी जो महेंद्रनाथ पांडे जी के जो संसदीय क्षेत्र में हो रही है। ये 3 दिन में अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग कलाकार इसमें आके प्रदर्शन करेंगे। जैसे आज हंसराज जी का प्रदर्शन थी और इसी तरह अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम को। देखिए, इसमें पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना और जो कलाकार है, जो हमारी सांस्कृतिक कलाएं हैं उसको बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और लोग अपने संस्कृति के बारे में जानेंगे और जो कलाकारों को भी एक मंच मिलेगा। अनुप चटोजा, उन दोनों का भी है। श्री मार्कंडेय महोत्सव, यह कोरोना से पहले भी यहाँ हेमा मालिनी जी के एक बहुत सुप्रसिद्ध नृत्य नाटिका से प्रारंभ हुआ था। कोरोना काल में स्थगित था जनता की मांग पर, और मार्कंडेय जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए यह कार्यक्रम फिर शुरू हुआ है। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने और उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इसका मेरे निवेदन पर आयोजन किया है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को कराने का? जनता के बीच एक लोक मंगल शासन का कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य होता है। इस समाज को जनमन रंजन और समाज को प्रेरित करने वाले भजन संस्कारों और विभिन्न माध्यमों से जनता के अंदर एक अच्छा वातावरण निर्माण करना और लोक मंगल का एक वातावरण बनाना, उस उद्देश्य से यह कार्यक्रम। और अब मुझे प्रसन्नता है कि दोनों सरकारों ने प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को करने का निर्णय किया। चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है, कांग्रेस ने विरोध कर रही है लगातार। भारत रत्न के सच्चे हकदार थे वो, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर स्वामीनाथन और पीवी नरसिंह राव को। ये तीनों जो कल सदन में हम सबको अवगत कराए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक्स पोस्ट पर यह निर्णय घोषित किया, सारे देशवासी प्रसन्न हैं और सारे भारतवासी प्रसन्न हैं कि भारत के सच्चे सबूतों को भारत रत्न दिया गया। कांग्रेस विरोध कर रही है, क्या वजह है? कह रही है कि चुनाव के पहले इस तरह का भारत रत्न देना। कांग्रेस निराशा हताशा में डूब गई है, उसे इसका स्वागत करना चाहिए और अपनी पीछे निर्णय न कर पाने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। मोदी जी जैसा देशवासी करें, मोदी जी देश की भावनाओं को समझते हैं और जन भावनाओं के रूप में निर्णय किया। उन्होंने बीजेपी 400 का नारा दे रही है और बाकी सहयोगियों को तोड़ रही है। बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेके चलती है और सब लोग जुट के देश की प्रगति के लिए, विकसित भारत के लिए बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। बाबा कीनाराम स्थल पर 10वें पीठाधीश्वर का निर्वाण दिवस एवं वर्तमान पीठाधीश्वर का अभिषेक दिवस मनाया गया। अघोर परंपरा के तीर्थ स्थान बाबा कीनाराम स्थल कृंकुंड पर इस पीठ के 10वें पीठाधीश्वर बाबा राजेश्वर राम जी का निर्वाण दिवस तथा इसी दिन वर्तमान 11वें पीठाधीश्वर अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का अभिषेक दिवस और यहां से संबद्ध सामाजिक संस्था अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान का स्थापना दिवस एक साथ मनाया गया। इन कार्यक्रमों के मद्देनजर इस स्थान पर 2 दिन पहले से ही दुनिया भर के अघोर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। सुबह से ही साफ सफाई, पूजा पाठ, आरती पूजन का दौर शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद भक्तों की बहुत लंबी कतार लग गई जो आश्रम गेट के बाहर करीब 1 किलोमीटर दूर तक दिख रही थी। हाथों में फूलमाला और आस्था से सराबोर अघोर भक्तों की इतनी लंबी लाइन का कारण था अपने आराध्य इष्ट बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का दर्शन और ब्रह्मलीन बाबा राजेश्वर राम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना। अघोराचार्य बाबा ने सर्वप्रथम सभी समाधियों का दर्शन पूजन किया तथा बाद में अपने दादा गुरु बाबा राजेश्वर राम जी की समाधि पर पुष्पांजलि और शीश नवाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद अघोराचार्य बाबा ने अपने गुरु अवधूत भगवान राम जी की आरती की और तत्पश्चात अपने विश्वविख्यात औघड़ तख्त पर आसीन हुए। इसके बाद प्रसाद वितरण के तहत भंडारा शुरू हुआ जिसे लाखों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वैचारिक गोष्ठी आयोजित हुई, साथ ही कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया। आज 9 फरवरी दिन शनिवार को, 9 फरवरी दिन शनिवार को बाबा का महानिर्वाण दिवस
संस्था का स्थापना दिवस और 11वें पीठाधीश्वर के रूप में स्वयं बाबा कीनाराम सिद्धार्थ गौतम धाम के रूप में गद्दी पर विराजमान हुए। सुबह 5 बजे प्रभात फेरी, समाधि के पूजन, आरती इत्यादि और प्रसाद वितरण और बाबा सिद्धार्थ गौतम धाम का दर्शन। ये शाम 4 बजे तक हम लोग की गोष्ठी होती है, गोष्ठी के बाद कार्यक्रम समाप्त होता है, उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम बाबा का भजन कीर्तन चलता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे जी। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की तमाम बता दी। देखिए अघोर परंपरा के विश्व की राजधानी है और यहाँ जो आता है कुछ लेके जाता है, जो कि अवघर दानी होते हैं। यहाँ कुछ लेके नहीं है, यहाँ तो कुछ लेके लोग जाते हैं और बाबा के प्रति अपार आस्था पूरे विश्व में है, कोई भारत में नहीं पूरे विश्व में बाबा के प्रति अपार आस्था है और सरल मार्ग है। मान्यता है कि जो भी महिला या जो भी पुरुष मानते हैं उनकी मन्नत पूरी होगी। बिल्कुल, यहाँ कुंड है जो तीन कुंड के नाम से कुंड है, उसमें जैसे बाघ बाघी जिसको बच्चा स्नान करने से क्या स्नान करने से जैसे बाघ कोट बाघपन तमाम तरह के मनोकामना पूर्ण। यह स्थान योगीराज महाकापालिक बाबा कीनाराम की सिद्ध पीठ है, न कि पर्यटक स्थल। एक बात, दूसरी बात कि यहाँ पर 3 चीज़ें जो विद्यमान हैं वह चीज़ें पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं। एक कुंड का पानी, श्मशान से आई अतजली लकड़ी से जलती हुई 500 वर्षों की धुनी, और तीसरी बाबा कीनाराम की यह समाधि और हिंगलाज देवी और भगवान दत्तात्रेय का यंत्र। ये 3 चीज़ें पूरे भूमंडल पर कहीं नहीं। और बाबा कहे थे जब महाप्रयाण उनका हो रहा था इसी क्रीम कुंड में, यह स्थान चिरकालिक है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आज अनादिकाल से यह स्थान है। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं इस पीठ के 11वीं गद्दी पर आऊँगा बाल रूप में और उस समय मैं ही स्वयं उपस्थित रहूँगा। आज 10 फरवरी है 1978 में, जबकि वर्तमान पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी की अवस्था 8 वर्ष की थी, बाबा अवधूत भगवान राम जी, बुढ़ऊ बाबा राजेश्वर राम जी, आज उनका महानिर्वाण दिवस भी है और वे अघोरेश्वर महाप्रभु के गुरु थे और उनके महानिर्वाण के दिन ही आज ही बाबा को 8 वर्ष की अवस्था में इस पीठ पर ये आप पीठाधीश्वर। इसलिए अभिषेक दिवस और महानिर्वाण दिवस दोनों एक साथ यहाँ मनाया जाता है और अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान की स्थापना भी आज ही हुई थी। इसलिए यह स्थान पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में एक सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्थान है, जहाँ लोग बाबा ने कहा था कि जो इस कुंड में स्नान करेगा जब तक काशी में गंगा बहेगी तब तक यह स्थान रहेगा और जो इसमें स्नान करेगा 5 रविवार मंगलवार उसके सभी दैहिक दैविक और भौतिक ताप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। और इस विभूति में हो सकती है कि अगर आपका विश्वास रहेगा तो एक क्षण के लिए मुर्दा भी कुछ समय के लिए जिंदा हो सकता है, ऐसी इस महाविभूति में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, जैसे हमारे धर्म, हमारे अपने से बड़ों का आदर करने के लिए क्या कहते हैं। मुस्लिम बच्चों के लिए तालीम इस्लाम को माध्यम बनाया जाता है और हिंदू बच्चों के लिए गीता या अन्य ऐसे श्लोक जो जिससे उन्हें ये पता चले कि हमें अपने बड़ों से या अपने शिक्षकगण से माता पिता से कैसे व्यवहार करना है, जो उचित ज्ञान हो वो हम देने का प्रयास करते हैं।
वो भी CBSE पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल, छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम योगा ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षक समूह शाखाएं, गड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसरा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 9554963199495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल माँ गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज द्वारा सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन वाराणसी की ओर से समाज को एकजुट करने व तमाम समाज की समस्याओं को लेकर पराड़कर भवन में सम्मान समारोह व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी समाज के लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पृथ्वी पाल सिंह, ज्योति सोनी, रवि सर्राफ, सत्यनारायण सेठ, शैलेश वर्मा, विष्णु सेठ सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। क्या है, किस तरह का ये चल रहा है समाज में? यहाँ समाज के हमारे माननीय मुकुल वर्मा जी कानपुर से आए हुए हैं, जो कि ये संगठन को स्टार्ट किए हैं, और हम लोगों का मेन लक्ष्य है कि पूरी समाज एकता संगठन में रहे और एकजुट होकर काम करे, समाज के लिए कुछ करे। और मैं महिलाओं के लिए, उनको महिलाओं को जागृत करना, उनका अधिकार, उनका सम्मान दिलाना, बस मेरा यही उद्देश्य है कि उनको आगे बढ़ाएं। आज किन किन लोगों का सम्मान हो रहा है? यहाँ से जो जितने भी माननीय गणमान्य अतिथि आए हुए हैं, उन सभी का हो रहा है स्वागत। क्या संदेश दे रही है इस कार्यक्रम को करके? समाज को एकजुट करना है, सरकार समाज को एकजुट करके एकता में उसको आगे बढ़ाना है। BHU कैंपस में तिरंगा झंडा स्थापित करने हेतु छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर के सामने विश्वविद्यालय कैंपस में तिरंगा झंडा स्थापित करने की मांग को लेकर छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस में तिरंगा झंडा स्थापित करने की मांग को लेकर पिछले कई माह से अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा
कुलपति को पत्र दिया गया था। जब कोई पहल नहीं हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य कार्यालय में पत्र दिया गया एवं गृह मंत्री के कार्यालय पर भी पत्र दिया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र विवेक सिंह ने बताया कि तिरंगा स्वाभिमान आंदोलन की अगली कड़ी में हम सभी छात्रों द्वारा बीएचयू परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर के सामने हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पुरातन छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज हम लोग सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, जैसा कि पिछले वर्षों से हमने वीसी महोदय को दिया हुआ है पत्र दिया, उसके बाद कुलपति महोदय को देने के बाद रजिस्ट्रार महोदय को भी। जब इस पर कुछ पहल नहीं हुई तो मैं नई दिल्ली प्रधानमंत्री जी के आवास पर जा करके वहां उनके मुख्य कार्यालय में प्रधानमंत्री मुख्य कार्यालय दिया, फिर गृह मंत्री के मुख्य कार्यालय में हमने पत्र दिया। उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ वहाँ से इनको हालांकि आया हुआ है लेटर बन के वीसी महोदय को, वीसी महोदय ने कुछ पहल नहीं किया। तत्पश्चात हम लोग तिरंगा झंडा अभियान निकाले थे तिरंगा स्वाभिमान आंदोलन के तहत, और आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित विश्वनाथ टेम्पल के सामने हम लोग सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं। सारे आगंतुक जितने छात्र छात्राएं बंधुए हैं सभी लोग इस सिग्नेचर कैंपेन में भाग ले रहे हैं, और लोगों के मन में एक उत्सुकता है और वो सब लोग जाहिर करें कि नहीं, इस विश्वविद्यालय में भी तिरंगा झंडा लगना चाहिए और इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि तिरंगा झंडा स्थापित जहां होगा उसका समर्थन करना चाहिए। कोई देशद्रोही ही होगा जो इस कैंपेन का साथ नहीं देगा और तिरंगा झंडा अभियान में साथ नहीं देगा। ये बताया कि ये झंडा आप कहाँ लगवाना चाहते हैं बीएचयू कैंपस में और कितनी फीट ऊंची रखना चाहते हैं इसका? ये तो 207 फीट ऊंची लगनी चाहिए और जैसा कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन तय करेगी स्थान ये कहाँ लगाया जाए, लेकिन सभी छात्र छात्रों एवं प्रोफेसर गुरुजनों के बात करने के अनुसार हम लोग का आपसी सहमति बना हुआ है कि महिला महाविद्यालय चौराहा जो है और सरस्वती जी के मूर्ति के जस्ट सामने लगाया जाए, ताकि जो भी डेलीगेट्स बाहर से छात्र छात्राएं या भी डेलीगेट्स आए विदेशी यात्री आए देखने आए तो उन लोग जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है विश्वविद्यालय के गेट से सिंह द्वार से जैसे ही अंदर घुसेंगे सामने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपना लहराते दिखेगा, क्या मतलब खूबसूरत दृश्य होगा और महामना मालवीय जी के बगिया को एकदम संपूर्णता का वो प्रतीक होगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। गौरतलब है कि अभी हाल में जननायक कर्पूरी ठाकुर लालकृष्ण आडवाणी पीबी नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। ये कार्य बहुत ही सराहनीय है परंतु सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। छात्रों ने कहा कि हम सभी पूर्वांचल से देश के लोगों की एक उम्मीद थी कि चंद्रशेखर जी को भारत रत्न मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छात्र नेता अभिषेक सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर जी भारतीय राजनीति के आदर्श तथा युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। इस मौके पर अरुण इष्टदेव पांडे सत्यम पांडे प्रियांशु आदि छात्र शामिल रहे। आज किस तरह का हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं? और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सभी आज देश में 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसमें 3-4 लोग राजनीति से जुड़े रहे, सभी का स्वागत है, सभी को मिला। मैं चाहता हूं कि देश के युवा तुर्क नेता जो शुचिता की राजनीति किए, जो गरीबों की राजनीति किए, जो ऐसे लोगों को राजनीति में लेकर आए जो कभी राजनीति में नहीं आ सकते थे, उनकी राजनीति किए ऐसे व्यक्ति को भी मैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इन्हें भी मिले भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार, इनको भी दिया जाए, क्योंकि ये पूर्वांचल के ऐसे पुरोधा हैं जिन्होंने ऐसा आदर्श बनाया कि हजारों लाखों छात्र हजारों लाखों युवा राजनीति के क्षेत्र में आए, बढ़िया काम किए, शुचिता की राजनीति किए, सदन में गए, सदन से आवाज़ उठाए, तो ऐसे व्यक्ति को जरूर भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्र लगातार इस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कल हम सभी छात्रियों ने भेजा था कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे पूर्वांचल के पूर्वोधा युवा तुर्क नेता रहे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को मिले, और आज हम इसी कड़ी में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। ये ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा और लोगों में जागरूकता फैलाते जाएंगे कि ये मिले उनको भारत।
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए गुडलक पार्टी आयोजित की गई। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल ससवाहे स्थित परिसर में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय परिवार की तरफ से सौभाग्यम 2024 गुडलक पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय तथा समन्वय के वर्मा के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलन तथा पुष्प अर्पण के साथ हुआ। इसके पश्चात हिंदी विभाग के अध्यक्ष बीएल कुशवाहा ने उपस्थित लोगों का स्वागत संबोधन द्वारा अभिनंदन किया। कक्षा 9 के छात्र छात्राओं द्वारा कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। इस अवसर पर बच्चों ने विद्यालय में बिताए गए समय तथा अनुभव के सबके समक्ष साझा किया। बच्चों ने इस मौके पर नृत्य संगीत तथा खेल प्रदर्शन द्वारा सबका मनोरंजन किया तथा कलात्मक प्रस्तुतियां दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय ने कक्षा 10 के बच्चों को भविष्य की शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हुए उन्हें समाज की आधारशिला बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन सामाजिक विज्ञान विभाग अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं का योगदान रहा। स्टार्टअप इन्वेस्टर समिट 2024 में नवाचारों और नए बिजनेस आइडिया पर चर्चा हुई। अटल इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप इन्वेस्टर समिट 2024 का आयोजन हुआ। इसमें 200 से अधिक स्टार्टअप, 15 से अधिक निवेशक, 2 स्पीकर, 15 से अधिक विशेष प्रतिनिधि और 10 से अधिक विशेषज्ञ वाराणसी और नजदीकी शहरों से 5,000 से अधिक आगंतुक पहुंचे। इस दौरान नवाचारों और नए बिजनेस आइडिया पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में चुने हुए 50 से अधिक स्टार्टअप यहां आइडिया को आगे बढ़ाने की उम्मीद में अपना वक्तव्य दिए। समिट में विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर एमएसएमई उमेश कुमार सिंह पहुंचे और अपना वक्तव्य दिया। हमारा उद्देश्य है कि हम रोजगार को बढ़ावा देना, उद्योग को बढ़ावा देना, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए डेवलपमेंट पॉलिसी, जो उनको फाइनेंशियल समस्याएं आती है उनको फाइनेंशियल, और हमारे कार्यक्रम में जैसे कि लोग जो वर्चुअली भी आए हैं, कुछ लोग दुबई से, यूएई से भी पार्टिसिपेट किए हैं एंड काफ़ी लोग मुंबई से, पुणे से भी पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें 4 डिपार्टमेंट का कोलाब्रेशन है, कौशल विकास का कोलाब्रेशन है, इसका एमएसएमई का, टूरिज्म का एंड यूपीआईटी का कोलाब्रेशन है। सहभागिता से क्या मानते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, इससे इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इससे लोगों को रोजगार बढ़ावा मिलता है, उद्योग को बढ़ावा मिलता है, मोदी जी का मिशन को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया की पॉलिसी है और मोदी जी का है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है। तो हम लोग का छोटा मोटा शुरुआत है कि जिससे कि हम लोग मेक इन इंडिया के तहत कुछ कार्यक्रम करके ही लोगों को प्रोत्साहन करें, यंग एंटरप्रेन्योर्स को डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, धन्यवाद। ये एक सेमिनार है, स्टार्टअप का है, 24 एक सेमिनार यहाँ हो रहा है, जिसमें जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, जो नया बिजनेस अपने स्टार्ट कर रहे हैं, उनको अच्छी जानकारी दी जा रही है और साथ ही वो फंड कैसे रेज करें। और काफ़ी लोग आए हैं जो फंड देने के लिए भी आए हैं,
उनके साथ भी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो एक अच्छा हमारे प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है। एक्सपर्ट के रूप में कौन कौन लोग आए हैं? एक्सपर्ट में तो अभी BHU के ही 4 प्रोफेसर यहाँ प्रेजेंट हुए हैं, और सवेरे कुछ कंपनियों से भी लोग आए हुए हैं, और उसमें से एक पुणे के HR हैं, और भी एक दो लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। अच्छा मैम, आपने महिलाओं के प्रति कोई ऐसा कोई अभियान चलाया है जो महिलाओं की हेल्प कर रहे हैं, क्या है वो? जी बनारस में क्या पूरे भारत में एक अपने आप का NGO है जो कि फ्री पैड बांटता है, जो औरतों की वो 6 दिनों की मुश्किलें हैं उसको कैसे सॉल्व करना है उसके सॉल्यूशन के लिए हमने सखी पैड बैंक की स्थापना करी है। और सखी पैड बैंक जहाँ नीड होती है, जहाँ स्लम एरिया होते हैं, जहाँ भी औरतों की डिमांड होती है वहाँ जाता है और फ्री पैड बांटता है, अवेयरनेस करता है, कपड़ों के खिलाफ मुहिम चला रखी है कि आप स्वस्थ और स्वच्छ कैसे रहें, उसके लिए हम सेमिनार आयोजित करते हैं, डॉक्टर्स को इन्वाइट करते हैं, कभी कभी दवाइयाँ भी हम लोग फ्री बांटते हैं। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है जो भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको कैसे बढ़ावा मिले, उनकी मुश्किलों को कैसे हम दूर करें और कहां से उनको फंड रेज करें। कितने लोग आए हैं इस कार्यक्रम में? आज कार्यक्रम में कम से कम 1000 लोग तो उपस्थित हैं सर। कितने दिनों का कार्यक्रम है? आज और कल 2 दिन का कार्यक्रम है। स्टॉल्स भी लगे हैं, अभी स्टॉल्स में भी लोग घूमेंगे, वहाँ भी लोग देखेंगे कि किस तरह से नई चीज़ें आज के बच्चों में कितना नयापन, क्या क्या चीज़ लेके आते हैं, जहाँ हमारी सोच नहीं जाती वो बच्चे उस काम को कर जाते। तो चलते चलते पुनः एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर विविध कार्यक्रमों के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश को सेवानिवृत्त होने के पश्चात दी गई विदाई। काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा छायाचित्र प्रतियोगिता व प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और मारकंडे महादेव महोत्सव के प्रथम दिन ख्यातिलब्ध गायक हंसराज रघुवंशी की हुई प्रस्तुति। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।